चांद ने कहा नया था जमाना। एक मिनट कोई हसीना तो टेंशन नहीं लेना, मैं ठहरा रहा। ऊपर बोर्ड नहीं पड़ा क्या? नो एंट्री। दोस्तों दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, स्मार्ट एंड लवली। स्मार्ट वो जो अपनी बातें आपके सामने पेश कर रहा है, और लवली वो जिसे आप सभी सुन रहे हैं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसी। चांद ने कहा एक मिनट। चांद ने जरूर यही कहा होगा एक मिनट। पहली बात, इतनी ऊपर से मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। दूसरी बात, मैं तुम्हारे पापा का नौकर नहीं हूं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये तुम्हारी नौटंकी है ना, इसे जमीन तक ही रखो, मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो प्लीज। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी। एक मिनट, मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी। अरे भाई, एस्केलेटर बोलते हैं उसे। नई शादी थी नया था जमाना। दुल्हा बेचैन था सुनने के लिए दुल्हन से गाना। दुल्हन शर्माई और शुरू किया गाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भाई एक रिसर्च से पता चला है कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा मेहनती होती हैं। जी हाँ, ये देखिए खुश हो रहे। अरे भाई सही है, लड़कियां लड़कों से ज्यादा मेहनती होती हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। देखिए 100 में से 10 लड़कियां नेचुरली खूबसूरत होती हैं, और बाकी अपनी मेहनत से, मतलब ब्यूटी पार्लर की कृपा से। कोई भी क्रीम लगाने से कुछ नहीं होता। हसीनाओं, कन्याओं, अगर आपको सुंदर दिखना है तो खूब रूठो। जी हाँ, 1975 में धर्मपा जी गा चुके हैं, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। हर लड़की ये चाहती है कि हर कोई उसकी तारीफ करे। मतलब लड़कियों को अच्छा लगता है कि वो सजे धजे और लोग उनकी जम के तारीफ करें, और शायद इसीलिए जब भी कोई कन्या ये गाना सुनती है तो बहुत भावुक होती है। जैसे ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। प्रस्तुत गीत में गीतकार कहना चाहते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, मेकअप के लिए पैसे मैं नहीं देने वाला। दोस्तों अगर कोई लड़की आपके प्यार को ठुकरा दे तो टेंशन नहीं लेना, अपने शहर के सबसे ऊंचे टॉवर पर पहुंच जाओ वहां पर, और वहां से देखो नीचे, देखो किसी और को ट्राई करो यार। एक महिला भागते भागते सरदार जी के दुकान पर आ गई, और उन्होंने कहा उस सरदार जी लिप्टन दी चाह है। सरदार जी ने पहले तो यूं देखा, फिर यूं देखा, और फिर धीरे से बोले, मैनू तो नहीं है, तेनू है तो लिपट जा। मेरा एक दोस्त है, ट्रैफिक हवलदार साहब ने उसे पकड़ लिया। उसे बोला, ये क्या तुम इधर किधर आ गए, और ऊपर बोर्ड नहीं पड़ा क्या, नो एंट्री। मेरे दोस्त ने बड़ी सिंप्लिसिटी से कहा, सर मुझे लगा फिल्म का बोर्ड है, नो एंट्री। इश्क दी गली विच नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री। दोस्तों आज आपके सामने अपने दिल के जज्बात पेश कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को भरपूर प्यार दिया
तो ही मैं रोटी खाऊंगा, वरना वरना क्या, बस पनीर पराठे छे, कश्मीरी पुलाव, पनीर की सब्जी, पालक, दाल मखनी और एक ग्लास दूध पीकर भूखा ही सो जाऊं।